कृति सैनन दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत को याद कर हुई इमोशनल। राब्ता के फेलियर पर कृति ने सुनाया एक किस्सा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। सभी के चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत हमें इस दुनिया से अलविदा कहकर चले गए, लेकिन आज भी उनके फैंस और करीबी दोस्त उन्हें याद कर इमोशनल होते हैं। वेल, अब एक्ट्रेस कृति सैनन ने हाल ही में उस वक्त को याद किया जो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया था। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सैनन ने फिल्म राब्ता में काम किया था। इस फिल्म को लेकर दोनों के मन में काफी उम्मीदें थी। फिल्म जिस दिन रिलीज होनी थी उस दिन भी दोनों काफी एक्साइटेड थे। ऐसे में जब फिल्म रिलीज हुई तो राब्ता को लोगों ने वैसा रेस्पॉन्स नहीं दिया जो एक्सपेक्ट किया था। उस दिन दोनों काफी मायूस थे। फिल्म कंपेनियन को दिए इंटरव्यू में कृति सैनन ने बताया, जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, वो जरूरी है। आप एक फिल्म बना रहे हो और आप कहते हो कि ऑडियंस को समझ नहीं आई। अगर उनको समझ नहीं आई तो तुम्हारी गलती है, आप ऐसे नहीं कह सकते हो। उस वक्त आप ये फिल्म बना रहे थे तो आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहिए था। आप कहाँ फेल हो गए, आपको सोचना चाहिए। उस दिन को याद करते हुए और सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए कृति सैनन ने बताया कि वो रात बहुत फनी थी। हम लोग लगातार इस बात का दुख मना रहे थे कि फिल्म नहीं चली, हम डिप्रेस थे, हमारी फिल्म को बहुत बुरे रिव्यू मिले थे। कृति ने बताया कि इसके बाद डीनो ने कहा कि आ जाओ यार, मूड खराब है। हम दोनों फिर वहां गए और फिर हमने वाइन की बॉटल खोली। वेल, खैर जो भी हो, लेकिन ऑडियंस आज भी दोनों की जोड़ी को मिस करते हैं। फिलहाल इस न्यूज पर आप हमें बताइए अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।